हेलो बच्चों, पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन कक्षा 12 कला वर्ग हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत छंद जो भाग है वह पूर्ण हो गया। अब नया टॉपिक लेते हैं अलंकार। अलंकार जैसे मनुष्य या स्त्री के लिए ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार अलंकार भी साहित्य या काव्य रचना के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्त्री के लिए ज्ञान उसकी शोभा बढ़ाते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। तो अलंकारों का प्रयोग अपन देखते हैं। सबसे पहले अलंकार का अर्थ। अलंकार शब्द की रचना अलं प्लस का, ये शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलं प्लस कार शब्द के योग से हुई है। ये शब्द किससे बना है? अलं धन कार शब्द के योग से इसकी उत्पत्ति, इसकी रचना हुई है। अब दोनों का अलग अलग अर्थ क्या है? यहां अलं का अर्थ है शोभा, शोभा सुंदरता बढ़ाना अलं का अर्थ है। अलं का मतलब शोभा, तथा कार का अर्थ है करने वाला या बढ़ाने वाला, शोभा करने वाला या शोभा सुंदरता बढ़ाने वाला, अर्थात जो शोभा में वृद्धि करता है उसे अलंकार कहते हैं। मतलब काव्य में शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य में शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, काव्य को और अधिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, प्रभावी ढंग से, वो अलंकार कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, भावों का उत्कर्ष विकास, भावों का उत्कर्ष दिखाने, भावों को अत्यधिक प्रभावी तरीके से प्रकट करने, वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव, वस्तुओं का रूप गुण और उसकी क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराना, जिसके पाठक के हृदय में वह स्थायी रूप से रह सके, तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा दी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान और हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब अलंकारों के तीन भेद बताए हैं मुख्य रूप से, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अलंकारों को मुख्य तीन श्रेणी विभाजित किया गया है। शब्द अलंकार, जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण ही चमत्कार उत्पन्न होता है, एक शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, सिर्फ वही शब्द उपयोग होगा तो भी काव्य में चमत्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस शब्द के स्थान पर अगर दूसरा शब्द ले लेते हैं तो वो चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, ये होता है शब्द अलंकार। जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण ही चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। अब देखो, जब उस शब्द के स्थान पर अन्य कोई शब्द, कोई पर्यायवाची शब्द, जैसे हमने शब्द रखा उसका पर्यायवाची रख दिया जाता है तो उससे चमत्कार नष्ट हो जाता है। वो शब्द रखना जरूरी है, शब्द के आधार पर चमत्कार होता है, अगर शब्द का पर्यायवाची रख दिया तो चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे प्रमुख शब्द अलंकार है अनुप्रास, यमक, यमक अलंकार, जैसे कनक कनक, तो ये कनक कनक शब्द सोने के और धतुरे के लिए, इसकी जगह कनक का पर्यायवाची शब्द है कंचन, कंचन रख दिया तो चमत्कार नष्ट हो जाएगा। तो इसमें देखो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये शब्द अलंकार है। श्लेष में जैसे पानी गए रूप, पानी की जगह जैसे अपने जल रख दिया तो वो चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा, तो इस शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द के आधार पर यह होता है अर्थ के आधार पर, जब काव्य में अर्थगत चमत्कार पाया जाता है, मतलब अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थ अलंकार माना जाता है। अब इसमें इसे विपरीत देखो, इसमें किसी शब्द का पर्यायवाची रख दिए जाने पर भी वही अर्थ बना रहता, मतलब वह चमत्कार नष्ट नहीं होता है, जैसा इसमें होता है। किसमें होता है? ये अर्थ अलंकार में अगर शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो चमत्कार बना रहेगा, उसका अर्थ नष्ट नहीं होगा। इसमें कौन कौन से? देखो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार आते हैं।
अब तीसरा भेद है उभय अलंकार। जब किसी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार पाया जाता है तो वहां उभय अलंकार होता है। शब्द का भी चमत्कार और अर्थ का भी चमत्कार पाया जाता है वहां पर उभय अलंकार होता है। इस श्रेणी में आते हैं श्लेष और वक्रोक्ति आदि इसी श्रेणी के अलंकार माने जाते हैं। अब अपन देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में जो अलंकार है उसके बारे में। तो आपके बारहवीं बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार जो आपके सिलेबस है कोर्स में वो देखते हैं। सबसे पहले अन्योक्ति अलंकार है कोर्स में, कुल 8 अलंकार है। समासोक्ति, विभावना और विशेषक्ति, दृष्टांत, प्रतीक, मानकीकरण, व्यत्यय, ये इसके 2 प्रश्न आते हैं, 4-4 नंबर के, कुल 8 अंक का। और छंद आपके कोर्स में है 6 अंक के, इसमें भी 2 प्रश्न आते हैं 3-3 नंबर के। तो 6 और 8 हो गए 14 और 2 नंबर के काव्य गुण और दोष। इस प्रकार काव्य शास्त्र है आपके 16 अंक का और हिंदी साहित्य इतिहास भी है 16 अंक का। तो अपन पढ़ते हैं अलंकार। पहला है अन्योक्ति अलंकार। पहले अलंकार परिभाषा पढ़ी, उनके भेद पढ़े, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अब पढ़ेंगे अलंकारों के जो आप कोर्स में। सबसे पहले अन्योक्ति। अन्योक्ति का मतलब होता है अन्य धन उक्ति, उक्ति कथन, किसी दूसरे के लिए कथन किया जाता है तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति शब्द अन्य धन उक्ति से मिलकर बना है जिसका अर्थ है अन्य के लिए किया गया कथन, दूसरे के लिए कोई कथन किया जाता है वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जब किसी पद में किसी को माध्यम बना करके अन्य व्यक्ति तक वास्तविक संदेश पहुंचाया जाता है वो तो माध्यम होता है, कहने का संदेश अलग होता है, किसी अन्य को संबंध होता है, अन्य के लिए कथन होता है। अन्य व्यक्ति तक संदेश वास्तविक पहुंच जाता है या जहां अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध, अप्रस्तुत वस्तु का वर्णन करके जो प्रस्तुत सामने वस्तु है, अप्रस्तुत उपमान और प्रस्तुत उपमेय, तो जहां पर अप्रस्तुत वर्णन करके उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। वर्णन तो होता है अप्रस्तुत का जो अपने सामने नहीं है, जो उपमान है उसका वर्णन करके जो प्रस्तुत चीज है वास्तव में उसका बोध कराया जाता है वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण समझिए। देखो माली आवत दे के कलियन कली पुकार। माली आवत देख के माली को आता हुआ देख कर कलियन जो कलियां होती हैं, अंकुरण होता है, अंकुरित जो कलियां होती है वो जिसके बाद फूल बनते हैं, कलियों के बाद क्या बनते हैं फूल। माली आवत देख के कलियन कली पुकार, माली को आता हुआ देख कर कलियों ने पुकार की। तो इसमें अप्रस्तुत का वर्णन है, पहले अप्रस्तुत बताइए बाद में इसका प्रस्तुत या उपमेय अर्थ क्या है इसका देखेंगे। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो अप्रस्तुत लाइन में ये बताया कि माली को आता देखकर कलियों ने पुकार की कि फूले फूले फूल फूल तो ले लिए चुन लिए और फिर उसके बाद हमारी बारी है, ये है अप्रस्तुत वर्णन। लेकिन इसका प्रस्तुत अर्थ क्या है, अप्रस्तुत है माली कलिया और फूल, प्रस्तुत अर्थ क्या है काल, माली किसको कहा गया है काल को कहा गया। कलिया मतलब युवा शक्ति है, युवा पीढ़ी के जो लोग हैं उनको यहाँ कलिया कहा गया है, कलिया प्रस्तुत अर्थ में कलिया को युवा को कहा गया है। फूले फूले का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हुए, यमराज है जिस प्रकार माली पके पके फूलों को चुनकर ले जाता है उसी प्रकार जो मृत्यु का देवता यमराज है जो वृद्ध लोग हो चुके हैं। फूले फूले का अर्थ क्या है, जो वृद्ध लोग हो चुके फूले फूले मृत्यु को प्राप्त वृद्ध लोग, वर्ध लोगों को तो मतलब काल खींच के ले गया
और युवा कहते हैं इसके बाद हमारी बारी है। तो यहाँ पर अप्रस्तुत माली कल्याण फूल है, अप्रस्तुत का पहले वर्णन करके प्रस्तुत चीज बताई गई है। क्या चीज बताई गई है? काल की जो यमराज है वो पहले बुढ़ों को ले जाए और बाद में युवाओं की बारी है। तो ये इसमें अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया गया। अब ये समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति का अर्थ समास धन उक्ति, समास का मतलब होता है संक्षेप में। समास क्या होता है? जो बड़े शब्द होते हैं उसको संक्षेप में कहा जाता है समास। तो संक्षेप में दोनों प्रस्तुत और दोनों का बोध हो जाता है, प्रस्तुत का अप्रस्तुत का। तो जहां संक्षेप में उक्ति या कथन के द्वारा बिल्कुल संक्षेप में शॉर्ट रूप में प्रस्तुत और अप्रस्तुत, प्रस्तुत यानी उपमेय जो वस्तु अपने सामने, और अप्रस्तुत यानी उपमान जो अपने सामने नहीं है। अप्रस्तुत और अप्रस्तुत का अर्थ का बोध होता है, अर्थात कुछ ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध एक साथ हो जाए। क्या होता है? एक साथ वहां समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, बाहु तुम्हारी छूकर भर उठती थी जो उल्लास से, दुर्बल हाथ सौंदर्य, हाथ यानी कम हो गया, सौंदर्य जैसी सब कम हो गई तब तो श्री वियोग के त्रास से। तो ये समासोक्ति का उदाहरण है। अपन पढ़ते हैं मानकरण अलंकार उसे आगे। तीसरा है अपने मानकरण अलंकार। मानकरण का मतलब होता है जो मनुष्य जो क्रिया करता है वह क्रिया का आरोप प्रकृति पदार्थ जड़ पदार्थ है अमूर्त वस्तु है उसमें मनुष्य की क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहां पर मानकरण अलंकार होता है। जैसे पेड़ हंस रहे हैं आदि। तो अपन लिखेंगे जब प्रकृति पदार्थ जड़ पदार्थों एवं अमूर्त, अमूर्त वस्तु यानी जो अदृश्य वस्तुएं हैं वो उन वस्तुओं में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप अमूर्त वस्तुओं में मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, प्रकृति को जड़ पदार्थ जैसे पेड़ है पौधे हैं जैसे प्रकृति की वस्तुएं आकाश है पृथ्वी है या अदृश्य वस्तु है अमूर्त वस्तु है उसका वर्णन आरोप किया जाता है। तो मानवीय क्रियाओं का उसमें आरोप होता है, जैसे मनुष्य की जो क्रिया होती है उसमें बता दी जाती है आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखिए मान जब प्रकृति पदार्थ जड़ पदार्थ, प्रकृति के जो जड़ पदार्थ है जो स्थिर है तो इधर उधर हिल नहीं सकते हैं अमूर्त वस्तुओं में जिनको हम देख नहीं सकते ऐसी वस्तुओं में मानवीय क्रिया का आरोप मनुष्य की क्रिया का आरोप उसमें बता दिया जाता है। जैसे क्रिया मनुष्य जो क्रिया करता है वो क्रिया इन जड़ पदार्थों और अमूर्त वस्तुओं में बदल जाती है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ये मानवीकरण की परिभाषा। उदाहरण देखिए, धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी
सांस सुहानी। इसमें रंग लुटाती आई, आना किसकी क्रिया है? मनुष्य क्रिया। किसमें? शाम में। शाम का जो समय है सांझ, उसमें मानव क्रिया आई, आना जाना ये मनुष्य क्रिया है, चलना धीरे धीरे चलना आना, तो ये सांझ शाम के समय में ये आरोप किया गया। इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण। फिर देखो अंबर पनघट में डूबो रही, तारागट उषा नागरी, इसके अंदर देखो सुबह का समय है उषा, उषा यानी प्रातः काल का समय, उसको एक सुंदर नारी की संज्ञा दी गई है, नागरी यानी सुंदर नारी। उषा सुबह का समय डूबो रही है, उस घड़े को क्या कर रही है? घड़े का डूबना ये कौन करता है? मनुष्य क्रिया करता है। सुबह का समय तो घड़े को डूबोता नहीं है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा का उषा नागरी, अंबर को पनघट मान लिया था, पनिया ने पानी भरती है और डूबो रही, क्या डूबो रही? तारा घट, तारे को क्या मान लिया? घड़ा, उषा नाग, उषा है जो अंबर पनघट है बना हुआ, वहां पर तारा को जो घड़े है तारो घड़ा माना है, वो उसमें डूबो रही है, कौन सी क्रिया का आरोप है? तीसरा उदाहरण देखिए, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये जयशंकर प्रसाद का कथन है आत्मपथीय कविता में, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जो मौन व्यथा है, जो अमूर्त चीज है, मौन व्यथा क्या है? अमूर्त वस्तु। इसमें कौन सी मानवीय क्रिया का आरोप हुआ है? सोना। थकना और सोना ये मानवीय क्रिया है, थकना और सोना। इसमें मौन व्यथा, मन की जो मौन व्यथा है, जो अमूर्त चीज है, उसका इसमें वर्णन किया गया। तो अभी जो तीन अलंकार हुए हैं, जैसे अनियोक्ति, समासोक्ति और मानकर, इनको अच्छी तरह से आप याद करना। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे।